ओके तो फाइनली गाइस इतना बड़ा बम्बू सूट निकाल दिया, देख सकते हैं बहुत ज्यादा भारी है। तो गाइस लेके आ गया मैं बम्बू सूट को, अभी इसी को बनाएंगे हम चटनी। ये मुझे जेम जी सिखा रहे हैं ना कैसे किस तरह से बनाते हैं। हम कुछ छोटे स्लाइस में काटेंगे, उसके बाद हम वाव देख सकते हैं ये अपना फॉर्म में आने लग गया, छोटा छोटा होने लग गया। तो गाइस बारिश भी बहुत जोर से आ रहा है और ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें हम ढालते हैं। ये देखो गाइस इतना हो चुका है, ऑलमोस्ट मैंने इतना बनाया। तो हे गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस अभी मैं हूँ जेम जी के घर, मतलब रुकसिंग में, और इनके मम्मी पापा इधर ही बैठते हैं। अभी हम लोग क्या बनाएंगे, एक्चुअली बोलने से ना बम्बू सूट बनाया था उस दिन, हम लोग ने खा के दिखाया था, काफी ज्यादा अच्छा हुआ था और आप लोग ने भी काफी अच्छा रेस्पॉन्स दिया था। तो आज हम लोग बनाएंगे बम्बू चटनी, टेंगा ना, तो टेंगा बनाएंगे। तो बम्बू टेंगा बना के जो डिब्बा में रखते हैं ना, जो बाजार में जाके 400-500 में बिक्री करते हैं, वो टाइप का बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बनाते हैं उसको ना, और पूरा लोकल ऑर्गेनिक स्टाइल में होगा। गाइस आप लोग बस देख लेना बढ़िया से, है ना। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल की ओर, बिकॉज वहीं पे अभी जाके हम लोग को बम्बू टेंगा बनाएंगे। देख सकते हैं सामान लोग पूरा ले चुके हैं यहाँ पे, और मैंने भी एक दाव ले लिया और गिलास, ये सब चाहिए होता है वहाँ पे। गाइस अभी हम लोग ने देख सकते हैं पत्ता वगैरह काट लिया और बम्बू का ये बम्बू टेंगा इसमें डालने का चटनी बना के ना, इसलिए डब्बा सब्बा भी ले लिया। हम पूरा जंगल के अंदर जा रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है, लेकिन जंगल के अंदर जैसे घुसाना बहुत ज्यादा ठंडा है। गाइस भी बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, आज बारिश भी आई, बोलते थोड़ा सही लग रहा है। एक्चुअली बोलने से हम लोग जो पहले जहाँ पे हम लोग ने बम्बू सूट बनाया था ना, यही जगह है गाइस, यहीं पे हम लोग पका के खाए थे ना। तो अभी यहीं पे हमें बम्बू सूट को काट के चटनी बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे वो आप लोग बस देखते रहना, ठीक है। और लेके आ गए यहाँ पे ये। तो गाइस जैसे कि हमने बम्बू सूट देख लिया, बम्बू का सूट देख लिया, तो मैं अभी इसके अंदर बहुत ज्यादा भरा है, अंदर साफ भी हो सकता है ना, तो थोड़ा डर लगता है ना। आराम से यहाँ पे ना, एक्चुअली बोलने से जब मैं पहले आया था बहुत छोटा छोटा था, अभी इतना बड़ा बड़ा हो गया, इतना जल्दी बड़ा होता है यार ये लोग। और इसका हम लोग अचार बनाएंगे गाइस, तो फाइनली गाइस इतना बड़ा बम्बू सूट निकाल दिया, देख सकते हैं बहुत ज्यादा भारी है एंड बहुत ज्यादा बड़ा है गाइस। और यहाँ पे मैंने ऐसा छोड़ दिया, इसको भी हम ढक देते हैं मिट्टी से, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है गाइस ताकि ये री से फिर से निकल सके कुछ ऐसा में, तो इसलिए इसको ढक देना जरूरी है। बाहर निकलता हूँ, कुछ इस तरह का है गाइस, देख सकते हैं इस प्रकार का इतना बड़ा। और इसी को अभी हम चटनी बनाएंगे, और किस तरह से हम बम्बू टेंगा ये है बम्बू टेंगा, इसको अभी हम बनाएंगे चटनी। ये बम्बू सूट है, उसको बनाएंगे बम्बू टेंगा। ये है बम्बू सूट और इसको बनाएंगे हम बम्बू चटनी। ये है बम्बू सूट, इसको बनाएंगे हम बम्बू टेंगा। आराम से बोला, ये है बम्बू टेंगा गाइस और बम्बू सूट। ये है बम्बू सूट, उससे बनाएंगे बम्बू टेंगा। ये है बम्बू सूट और इसको बनाएंगे हम बम्बू टेंगा, किस तरह से बनाएंगे प्योर ऑर्गेनिक स्टाइल में, आप लोग बस देखना किस तरह से मैं प्रोसेसिंग करता हूँ, तो देखते रहना गाइस। तो जैसे कि गाइस हमने काट लिया और लेके जा रहे हैं, वो भी लेके आ रहे हैं, अब इसको यहाँ पे रखेंगे और किस तरह से बनाएंगे मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस लेके आ गया मैं बम्बू सूट को, अब इसको हम अच्छी तरह से छीलेंगे, उसके बाद कुछ इस प्रकार का हम बनाएंगे देख सकते हैं। और इसको बनाने के बाद शायद हमें इसको छोटा छोटा पीस में रखना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको बनाएंगे बम्बू टेंगा काफी बढ़िया से।
देख सकते गाइस यहाँ पे कीड़ा वगैरह भी है, तो शायद इसको खा रहा था होगा कीड़ा लोग, तो इसको हम थोड़ी अच्छे से सफा कर देंगे। टाइट वाला ज़्यादा जरूरत नहीं, इतना टाइट हो गया गाइस, और ऊपर का बहुत टाइट है, बहुत टाइट है, ठीक है। हाथ दर्द रहा है ना। तो देख सकते हैं गाइस हमारे पास डो टू बम्बू सूट काफी ज्यादा बढ़िया से तैयार हो गया, अभी इसी को बनाएंगे हम चटनी, तो प्रोसेसिंग करते आगे का ना। तो गाइस अभी हम इसको बम्बू टेंगा बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको छोटा छोटा पीसेस में काटना होगा, कुछ बहुत टाइट है उसको। तो गाइस जैसे कि अभी हम इसको मैं काट रहा था, एक्चुअली मैंने बहुत टाइट है, टाइट वाला को नहीं डालते ना, टाइट वाला को फेंक देते, टाइट है इसको हम दूर फेंक देंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना बम्बू टेंगा बनाने के लिए। एक्चुअली बोलने से मैं कभी बनाया नहीं हूँ, ये मुझे जेम जी सिखा रहे हैं ना किस तरह से बनाते बोल के, तो मैं उसी का अनुसार में बना रहा हूँ गाइस। इसको हम कुछ छोटे स्लाइस में काटेंगे, उसके बाद हम वो करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे गाइस, ये तो हो चुका है, ये जेएमजी ने बनाया देख सकते हो पूरा एक डिब्बा, और ये अगर हम बाजार में बिक्री करने जाएं तो ऑलमोस्ट 500 रुपीस मिलता है इससे ना, 500 रुपीस का इन्होंने बनाया है, और मैंने भी अभी 500 रुपीस का बनाता हूँ। अभी इसको भी दो गिलासेस है, कुछ ऐसा गिलासेस लेना पड़ेगा धार वाला, जिससे हम इसको ऐसा करके मार सके, लाइक छोटा छोटा पीसेस में हम कर सके। तो इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ क्योंकि ये बाहर भी जा सकता है ना, और यहाँ पे ये पूरा दर्द देगा गाइस। देख सकते हैं ये अपना फॉर्म में आने लग गया, छोटा छोटा होने लग गया। अच्छा खाने के लिए ना बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है गाइस, और ये बम्बू सूट को हम ना एक्चुअली बोलने से क्यों बनाते हैं पता है, क्योंकि ये बहुत सब्जियों में काम आता है, लाइक थोड़ा थोड़ा हम लोग डालते हैं, जैसे मछली हो गया, जैसे मीट हो गया, जैसे बॉयल सब्जी हो गया, उसमें हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करके इसको खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देता है, प्लस इसका ऑर्गेनिक, और प्लस ये ऑर्गेनिक है ना तो बहुत अच्छा होता है गाइस हेल्थ के लिए भी। जो मसाला यूज़ करते हैं ना उसका बाप है, अगर हम इसको डालते हैं ना तो मसाला को भी फेल कर देता है, इतना टेस्ट हो जाता है गाइस ये। बारिश आ रहा है जोर से इसलिए कोई नहीं, हाँ बारिश आ रहा है गाइस, पूरा बारिश आ रहा है, और ना भीगे बोल के हम दोनों फटाफट कर रहे हैं ना, करते हैं जल्दी जल्दी। बहुत मेहनत लगता है गाइस इसको करने के लिए, हाथ पूरा दुख जाता है, अंदर से पूरा गर्म हो गया यार, पूरा पसीना पसीना हो गया मेरा, और इसी के लिए लोग इसको खरीद के खाते हैं, एक टेमा का 500 रुपये लेते हैं यार, और मुझे लगता है ये हो गया, काफ़ी छोटा छोटा कर दिया मैंने, देख सकते गाइस काफ़ी छोटा छोटा कर दिया, ठीक है नहीं, इतना छोटा तो चलता है और इससे छोटा भी नहीं हो पाएगा। ये हो चुका है, अभी हम क्या करेंगे इसको डब्बा में डालेंगे, ठीक है। तो गाइस बारिश भी बहुत ज़ोर से आ रहा है, और ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें हम डालते हैं इस तरह से, और यही है बम्बू टेंगा गाइस, यही है, इसको हम यहाँ पे डालेंगे, बुझ जाओ। और जेम जी बोल रहे हैं मुझे ये अपना घर ले जाओ, क्योंकि ये मैंने बनाया ना, तो डाल देते हैं यहाँ पे। ये एक्चुअली बोलने से थोड़ा छोटा है, ये भरा है, नहीं तो ये अगर इसमें घुसा था ना ये पूरा हो ही जाना था।
ये है मेहनत का बम्बू टेंगा। इतना मेहनत करना पड़ता है गाइस एक बम्बू टेंगा को बनाने के लिए। एक बम्बू टेंगा को अभी इसको रखना पड़ेगा ऑलमोस्ट 7-8 डेज 9 डेज जैसा, हमें इसे सुखा के रखना पड़ेगा। उसके बाद ये अपना फॉर्म में आ जाएगा, तब हम इसे खाने लायक बना, मतलब तब हम खा पाएंगे इसको, नहीं तो नहीं पाएंगे। एक्चुअली मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो गाइस इतना हो चुका है ऑलमोस्ट, मैंने इतना बनाया। ये थोड़ा बड़ा है बम्बू, मतलब थोड़ा बड़ा है ये डिब्बा, इसका वजह से ये इतना हुआ है। बहुत चीज़ में काम आता है, जैसे बॉयल सब्जी हो गया, मीट हो गया, जैसे मछली हो गया, इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं इसको। इसको पूरा पूरा पकने के लिए ना 7 दिन या 8 दिन लगता है, उसके बाद हम इसको यूज़ कर पाएंगे अपनी सब्जी वगैरह में, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्ट बना देता है सब्जी का। तो यही है बम्बू टेंगा गाइस, देखो मैंने खुद से बनाया, कभी नहीं बनाया था लाइफ में, फर्स्ट टाइम मैंने बम्बू टेंगा बनाया है गाइस। और इसको बाजार में हम बिक्री करने जाएंगे, 500-600 रुपये लेता है गाइस इसको। तो ये है ऑर्गेनिक बम्बू टेंगा। थैंक यू। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और ये गेम जीता है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और एक चीज़ थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे ले गया फिर से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।